एक समझौता आप करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते जब किए जाते हैं तो जिस तारीख को हस्ताक्षर होता है उससे कुछ समय तक आपको छूट मिलती है। उतने समय में आप तैयारी कर लें अपने देश में उसको लागू करने की। तो भारत सरकार ने 15 दिसंबर 1994 को इसको हस्ताक्षर किया, 10 साल के लिए हमें ग्रेस पीरियड मिला, छूट मिली। वो 10 साल अभी पूरा हो गया 15 दिसंबर 2004 को। 1 जनवरी 2005 से वो सब शर्तें लागू हो जाएंगी जो कुछ गेट करार में है, WTO में है, और उन शर्तों के आधार पर देश का शासन चलेगा, देश की सरकार चलेगी, देश की पूरी व्यवस्था चलेगी। आपके देश की संसद के कहे हुए पर अब इस देश की सरकार नहीं चलेगी। आपके देश की विधानसभाएं अगर कुछ तय करें उसके अनुसार अब सरकार काम नहीं करेगी। अब जो भी सरकारें भारत में आएंगी वो किसी भी राजकीय पक्ष की हो, एक पार्टी की हो, दो पार्टी की हो, तीन पार्टी की हो, या पार्टियों के समूहों की सरकारें हो, उनको वही करना पड़ेगा जो WTO में लिखा हुआ है, विश्व व्यापार संगठन की शर्तों में कहा गया है, या गेट करार की शर्तों में लिखा हुआ है। मैं आज आपसे इस विषय पर जब बात करने आया तो मेरे साथ गेट करार की कॉपी लेके आया। विश्व व्यापार संगठन का जो समझौता जिस पर भारत सरकार ने हस्ताक्षर किया है वो मैं मेरे साथ लाया हूँ। वो समझौते का जो ड्राफ्ट है वो मेरे हाथ में है। बस इतना ही मैंने किया है कि इस पे कवर चढ़ा दिया है, क्योंकि ये बार बार मुझे इस्तेमाल करना पड़ता है, तो इसके ऊपर कवर है, बाकी अंदर वो पूरा का पूरा ड्राफ्ट है। ये पूरा ड्राफ्ट लगभग 576 पेज का है और इस 576 पेज के ड्राफ्ट में 2000 से ज्यादा शर्तें हैं। इन सभी शर्तों के अलग अलग अध्याय बने हुए हैं। जैसे इसमें कुल मिलाकर लगभग 28 अध्याय हैं। इस 576 पेज को 28 अध्याय में बांटा गया है, 28 चैप्टर्स हैं। अलग अलग अध्याय के अलग अलग नाम हैं। जैसे एक अध्याय है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, कृषि विषय का समझौता। एक अध्याय है एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स, TRIPS, ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, अर्थात पेटेंट, कॉपीराइट और ये जो मार्क्स के जो समझौते होते हैं। हर एक कंपनी का अपना कोई विशेष तरह का चिन्ह होता है, तो वो कॉपीराइट, पेटेंट, उस तरह के समझौते ट्रिप्स में है। इसी तरह से इसमें एक अध्याय है एग्रीमेंट ऑन सर्विसेस, सेवा के व्यापार का समझौता। इसी तरह से इसमें एक अध्याय है एग्रीमेंट ऑन सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, ऐसे कर करके इसमें। ऐसे ही एक अध्याय है एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल, ये जो कपड़े का व्यापार है उसका समझौता। तो कुल मिलाकर इसमें 28 अध्याय हैं। हरेक अध्याय अपने आप में एग्रीमेंट के जैसा है, हरेक अध्याय अपने आप में एक एग्रीमेंट के बराबर है, समझौते के बराबर है। कुल अध्याय 28 हैं। इन सबको मिलाकर इसको WTO एग्रीमेंट कहा जाता है या गेट करार कहा जाता है। ये गेट करार जब हस्ताक्षर हुआ था 15 दिसंबर 1994 को, तो हमारे देश की सरकार, उन्होंने बार बार ये कहा था कि हम इसको हस्ताक्षर नहीं करेंगे। संसद के अंदर कहा था, संसद के बाहर कहा था। और जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता श्री रूपेश ने कहा, 14 दिसंबर 1994 तक हमारी सरकार कह रही थी कि हम WTO पर, गेट करार पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, लेकिन अचानक 15 दिसंबर 1994 को ये हस्ताक्षर कर दिए गए और 16 दिसंबर को मेरे जैसे आदमी को, आपको सभी को अखबारों के माध्यम से सूचना मिली, अखबारों के माध्यम से पता चला। संसद में भी माहिती नहीं आई थी उसके पहले। भारत की सरकार के जो प्रतिनिधि थे जिन्होंने ये हस्ताक्षर किया था, उन्होंने न्यूज़पेपर्स को बताया, रिपोर्टर्स को बुलाकर कहा कि हमने वो हस्ताक्षर किया। तो बहुत सारे पत्रकारों ने उनसे पूछा कि कल तक तो आप कह रहे थे कि हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे, अब एक ही दिन में आपने ये हस्ताक्षर करके मत परिवर्तन किया, मन बदल दिया, ऐसा कैसे हुआ? तब उन्होंने कहा था, वो बात मैं आपको कोट करना चाहता हूं, अंग्रेजी में कही गई थी, बैगर्स हैव नो चॉइस, सरकार की ओर से कहा गया था, बैगर्स हैव नो चॉइस, माने जो भिखारी होते हैं उनका अपना कोई मंतव्य नहीं होता है, उनकी कोई अपनी चॉइस नहीं होती है, माने भिखारी तो वही करता है जो भीख देने वाला कराता है।
माने आपको कोई भीख दे रहा है, आप भीख ले रहे हैं, तो भीख देने वाला जो आपसे कहेगा वही आपको करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है बैगर्स हैव नो चॉइस, ये सरकार की तरफ से कहा गया था। हमारे देश में ऐसी परिस्थिति क्यों बनी जब हमने ये गैट करार हस्ताक्षर किया, इस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन वो बात करने से पहले ये गैट करार शुरू कैसे हुआ इस पर बात करता हूं, ताकि आपको इसका इतिहास भी पता हो। गैट करार की शुरुआत हुई सन 1948 में। गैट एक शब्द है अंग्रेजी का, GATT, उसका पूरा अर्थ है जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ट्रेड का मतलब आप समझते हैं व्यापार, टैरिफ का मतलब होता है बाहर से आने वाली वस्तुओं पर लगाया गया टैक्स, उसको हम टैरिफ कहते हैं। तो व्यापार और बाहर से आने वाली वस्तुओं पर लगाए गए टैक्स का एक सामान्य समझौता, इसको गैट के नाम से जाना जाता है। 1948 में यह शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, दुनिया के 23 देशों ने मिलकर इसको शुरू किया था। वो 23 देशों में से भारत एक देश था। 1947 में भारत आजाद हुआ, आप जानते हैं 15 अगस्त को। 1948 में गैट शुरू हुआ, भारत शुरू से ही गैट में शामिल था, माने गैट को शुरू करवाने वाले देशों में भारत एक महत्वपूर्ण देश था। भारत के साथ और भी कई देश थे, एक देश था अमेरिका, दूसरा था ब्रिटेन, एक था फ्रांस, एक था जर्मनी, ऐसे दुनिया के 23 देशों ने मिलकर इसको शुरू किया था। इसकी शुरुआत के पहले की घटना एक बताऊं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ये क्यों शुरू किया था, जरूरत क्या थी इसकी। जरूरत ये थी कि 1945 में दूसरा विश्व युद्ध पूरा हुआ था, 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था। 1939 से 1945 के बीच में ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर चला, दूसरा विश्व युद्ध चला, इसमें दुनिया के अमीर देशों की सारी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई थी, खलास हो गई थी। अमीर देशों में आप गिनती करना चाहें तो ब्रिटेन उस समय काफी ऊपर था, ब्रिटेन के नजदीक में फ्रांस, फ्रांस के नजदीक में जर्मनी, जर्मनी के नजदीक में स्पेन, पुर्तगाल, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, और इनके साथ अमेरिका, कनाडा, ये सब अमीर देशों की श्रेणी में आते हैं। दूसरे विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था अमीर देशों को, श्रीमंत देशों को, दुनिया के जितने ज्यादा श्रीमंत देशों को नुकसान हुआ, सबसे अधिक तो दूसरे विश्व युद्ध में हुआ था। नुकसान किस स्तर पे हुआ था, इनकी पूरी अर्थव्यवस्था खलास हो गई थी। जर्मनी और फ्रांस तो इस स्थिति में आ गए थे कि वहां के लोगों की भूखमरी की हालत हो गई थी, इंडस्ट्रीज सब चौपट हो गई, कंपनियां सब बंद हो गई, लाखों लोग युद्ध में मारे गए। दूसरे विश्व युद्ध पर जिन इतिहासकारों ने काम किया है उनका कहना है कि दूसरे विश्व युद्ध में यूरोप के कम से कम 1 करोड़ लोग मरे थे, कम से कम 1 करोड़ लोग मरे थे। दूसरे विश्व युद्ध में बहुत तबाही हुई थी और इस तबाही में पूरी अर्थव्यवस्था डूब गई थी। दूसरे विश्व युद्ध से अगर किसी को फायदा हुआ था तो वो एक ही देश था, उसका नाम था अमेरिका। अमेरिका को बहुत फायदा हुआ था, अमेरिका का कोई नुकसान नहीं हुआ था। नुकसान नहीं हुआ उसका कारण क्या था, सबसे बड़ा कारण यह था कि दूसरा विश्व युद्ध अमेरिका की जमीन पर नहीं लड़ा गया। दूसरे विश्व युद्ध में जो जमीन इस्तेमाल की गई, जो स्थान था युद्ध का, जो बैटल फील्ड था, जो वॉर फील्ड था, वो यूरोप था, और यूरोप में भी सेंट्रल यूरोप था, केंद्रीय यूरोप जिसको कहा जाता है, वेस्टर्न यूरोप भी थोड़े आजकल कह सकते हैं। सबसे ज्यादा लाभ अमेरिका को दो कारण से हुआ, एक तो अमेरिका की जमीन पर युद्ध नहीं हुआ था, दूसरा अमेरिका को लाभ इस युद्ध में यह हुआ था कि अमेरिका की हथियार बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों को जबरदस्त ऑर्डर्स मिले थे दूसरे विश्व युद्ध में। जर्मनी ने जो हथियार इस्तेमाल किए फ्रांस के खिलाफ या ब्रिटेन के खिलाफ, वो सारे के सारे हथियार अमेरिका ने बेचे, और दूसरी तरफ जर्मनी के खिलाफ ब्रिटेन और फ्रांस ने जो हथियार इस्तेमाल किए वो भी अमेरिका ने बेचे। माने अमेरिका दोनों तरफ हथियार सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश था। अमेरिका की ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके नाम कभी कभी आप अखबारों में पढ़ते हैं, जैसे जनरल मोटर्स, GM, फोर्ड, IBM, रेक्सॉन, रेथियोन, एक्सॉन, ऐसी ऐसी ITT,
कॉपर कोनेकॉट ऐसी अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम अक्सर आप सुनते हैं, ये सब हथियार बनाने वाली बड़ी कंपनियां हैं। इन हथियार बनाने वाली कंपनियों को जबरदस्त मुनाफा हुआ था। इन्होंने जो मित्र देश थे, मित्र देश माने ब्रिटेन के साथ मिलकर जर्मनी के खिलाफ लड़ने वाले देशों को मित्र देश कहा जाता था, जर्मनी के साथ मिलकर लड़ने वाले देशों को शत्रु देश कहा जाता था। तो मित्र देशों को भी हथियार अमरीका बेच रहा था, शत्रु देशों को भी हथियार अमरीका बेच रहा था। अमरीका की दसों उंगलियां घी में थी और दसों पैर की उंगलियां घी में थी, बीसों उंगलियां घी में थी, ऐसा कह सकते हैं। तो दूसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा लाभ किसी एक देश को हुआ तो अमरीका को, और सबसे बड़ा नुकसान जिन देशों को हुआ, यूरोप के देशों को, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, ब्रिटेन आदि आदि देशों को। जिन देशों को नुकसान हुए उन देशों ने आपस में बैठकर कुछ समझौते किए। उनमें से एक समझौता ये था कि युद्ध अब समाप्त हुआ है, हमको आगे बढ़ना है तो एक दूसरे को सहयोग करना सीखना चाहिए। तो यूरोप के देशों ने आपस में मिलकर एक दूसरे को सहयोग करने के लिए एक समझौता किया जिसको नो वॉर पैक्ट कहा जाता है। वो समझौता यूरोप के देशों ने इस तरह से किया कि हम भविष्य में कभी भी एक दूसरे के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ेंगे, क्योंकि युद्ध के भयंकर दुष्परिणाम उन्होंने देखे थे। तो युद्ध नहीं लड़ेंगे, ऐसा समझौता उन्होंने कर लिया और वो समझौता आज तक कायम है। यूरोप के देशों ने 1945 के दूसरे विश्व युद्ध के बाद आपस में 2004 की तारीख में कोई युद्ध नहीं लड़ा है। 1945 से सन 2004 के बीच में यूरोप के देशों ने एक दूसरे के खिलाफ कोई युद्ध नहीं लड़ा है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 1945 से सन 2004 के बीच में दुनिया में 345 युद्ध हुए हैं, 345 युद्ध हो चुके हैं। लेटेस्ट युद्ध जो है वो इराक का है, इराक से पहले अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के पहले आप जानते हैं कुवैत का, कोरिया का, वियतनाम का, ऐसे चिली का, कोस्टारिका का, कोलंबिया का, भारत पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, ऐसे कुल मिलाकर अगर सूची बनाई जाए तो 1945 से लेकर सन 2004 के बीच में 345 युद्ध हो चुके हैं। आने वाले समय में और भी होने की तैयारी है, सीरिया में युद्ध हो सकता है, ईरान में हो सकता है, अमेरिका ने घोषित कर दिया है, कोरिया में भी होने की संभावना है। तो युद्ध तो लगातार हो रहे हैं, 1945 के बाद दुनिया में कोई शांति स्थापित नहीं हुई है, काफी युद्ध हो रहे हैं, लेकिन यूरोप की जमीन पर नहीं हो रहे हैं। ध्यान देने की बात यह है, क्यों? क्योंकि यूरोप के देशों ने आपस में समझौता किया हुआ है कि हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे नहीं। लेकिन ये जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से दुनिया में युद्ध हो रहे हैं, इन युद्धों में अभी फायदा किसको हो रहा है? अभी फायदा अमेरिका और यूरोप दोनों को बराबर बराबर हो रहा है। 1945 के दूसरे विश्व युद्ध में पूरा फायदा सिर्फ अमेरिका को हुआ। 1945 के बाद जो 345 युद्ध दुनिया में हुए हैं उसमें फायदा यूरोप को भी हो रहा है, अमेरिका को भी हो रहा है। कैसे हो रहा है? यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियां हथियार बना रही हैं और दुनिया के देशों को बेच रही हैं, अमेरिका की भी कंपनियां भी हथियार बना रही हैं, दूसरे देशों को बेच रही हैं। अगर आप ध्यान से अखबार पढ़ते हैं तो 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा अमेरिका की एक बड़ी कंपनी जो F-16 विमान बनाती है, फाइटर प्लेन, उसने पाकिस्तान को बेचना शुरू किया है। परिणाम क्या निकलेगा? भारत भी वही खरीदेगा, क्योंकि भारत को पाकिस्तान से डर है, पाकिस्तान को भारत से डर है। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को बेचना शुरू किया तो भारत सरकार भी खरीदेगी, थोड़े दिन के बाद पाकिस्तान सरकार और ज्यादा खरीदेगी तो भारत सरकार और ज्यादा खरीदेगी। तो अमेरिका का दोनों देशों में व्यापार चल गया हथियार बेचने का, F-16 प्लेन बेचने का। और F-16 का फाइटर प्लेन कोई कॉलगेट का पेस्ट नहीं है जो 10-20 रुपए में बेचा जाए, ये तो ऐसा फाइटर प्लेन है जो अरबों डॉलर में बिकता है और उसमें मुनाफा हजारों प्रतिशत में होता है। ऐसे ही तरीके से हथियार बेचने के काम किए जाते हैं, एक देश को देना फिर पड़ोसी देश अपने आप खरीदेगा, उसको देना तो उसका पड़ोसी अपने आप खरीदेगा, फिर उसको देना तो उसका पड़ोसी अपने आप खरीदेगा। तो हथियारों की एक अंधी दौड़ पूरे दुनिया में जो चल रही है दूसरे विश्व युद्ध के बाद, उसका सबसे बड़ा लाभ अमेरिका और यूरोप को हो रहा है। ये लाभ जो है इतना अधिक है कि इन दोनों इलाके में, अमेरिका और यूरोप के इलाके में, पिछले 50 साल में अभूतपूर्व समृद्धि आई है।
50 साल पहले का यूरोप का अध्ययन अगर आप करें और अमेरिका का अध्ययन करें तो पिछले 50 साल में यूरोप और अमेरिका की पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आमदनी हजारों गुनी बढ़ी है सिर्फ इन युद्धों के होने से, क्योंकि उनको भयंकर हथियार बेचने के रास्ते खुल गए हैं। तो इस तरह से दुनिया चल रही है। और ये युद्ध किस तरह से किए जाते हैं या करवाए जाते हैं, एक छोटा उदाहरण आपको देता हूं, आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आएगा कि हथियार बेचने के लिए क्या क्या किया जाता है दुनिया में। 1979 में अमेरिका का एक अखबार है, उसका नाम है वॉशिंगटन पोस्ट। उसमें एक न्यूज आई, खबर आई जुलाई के महीने में, 16 जुलाई 1979 को अमेरिका का बहुत बड़े पैमाने पर बिकने वाला अखबार वॉशिंगटन पोस्ट, उसके फ्रंट पेज पे मुख्य पृष्ठ पे एक खबर छपी। खबर ये थी कि इराक और ईरान नाम के दो देश, पड़ोसी देश, इनके बीच में एक क्षेत्र है, दो देशों के बीच में एक क्षेत्र है, उसको अरबी भाषा में शत अल अरब कहते हैं। तो शत अल अरब नाम का जो क्षेत्र है ईरान और इराक के बीच में, इसमें भयंकर मात्रा में तेल छुपा हुआ है, ये खबर वॉशिंगटन पोस्ट के फ्रंट पेज पर छप गई। अब ये खबर जब छपी तो दोनों देशों की सरकार के कान खड़े हो गए और उन्होंने देखना शुरू किया कि ये जो शत अल अरब नाम का क्षेत्र है इसमें इतना अधिक तेल है। और खबर जब छपी तो उसमें रेफरेंस दिया गया कि अमेरिका के जो सैटेलाइट अंतरिक्ष में घूम रहे हैं उनसे मिली जानकारी के अनुसार, तो और ज्यादा विश्वास हो गया, इसमें अविश्वास का कोई कारण ही नहीं। तो ईरान और इराक दोनों देशों की सरकार के कान खड़े हुए और दोनों देशों ने यह कहना शुरू किया कि ये जो शत अल अरब है जहां पर ज्यादा मात्रा में तेल छुपा हुआ है ये हमारा है। दोनों ने क्लेम करना शुरू किया, ईरान ने क्लेम किया, इराक ने क्लेम किया। जब दोनों देशों ने एक ही क्षेत्र पर अधिकार जताना शुरू किया तो झगड़ा होना स्वाभाविक था। तो इनका झगड़ा यूनाइटेड नेशन में गया। संयुक्त राष्ट्र तो इसीलिए बनाया गया है दो देशों के आपस के झगड़ों का निपटारा करने के लिए, लेकिन आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र काम करता है अमरीका के इशारे पर, पूरी तरह से वो अमरीका का जेब में रहने वाला संगठन हो गया है। अमेरिका किसी भी देश पर अगर हमला करने का फैसला कर ले तो संयुक्त राष्ट्र उसको पलट नहीं सकता, जैसा कि अभी आपने इराक के केस में देखा। इराक के केस में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बनाई गई रिपोर्ट ये कहती है कि इराक के पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है। अमेरिका कहता है, संयुक्त राष्ट्र कहता है नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि हम इराक के खिलाफ युद्ध की अनुमति नहीं दे सकते। अमेरिका ने कहा तुम बाजू में बैठो, हम युद्ध शुरू करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के सारे प्रस्तावों का उल्लंघन करके अमेरिका ने युद्ध शुरू किया और संयुक्त राष्ट्र कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र एक ऐसा शेर है जिसके दांत नहीं है, किसी को काट नहीं सकता है, गुर्रा सकता है बस। और अमेरिका की जेब में रहता है संयुक्त राष्ट्र, क्योंकि अमेरिका के द्वारा दिए गए फंड्स पर संयुक्त राष्ट्र की बहुत सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। फंड्स तो दूसरे देश भी देते हैं लेकिन अमेरिका थोड़ा ज्यादा देता है, इसलिए उसकी बात माननी पड़ती। तो इसी तरह से 1989 में जब यह घटना घटित हुई तो संयुक्त राष्ट्र में मामला गया। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों ने इसमें कोई फैसला नहीं दिया, लिहाजा दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ युद्ध करने का तय कर लिया। जब फैसला नहीं हो पाया झगड़े का तो ईरान और इराक एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगे। वही टाइम में सद्दाम हुसैन इराक का प्रेसिडेंट बना और इसको अमरीका ने प्रेसिडेंट बनवाया, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा समर्थित एक पार्टी है इराक में, उसका नाम है बाथ पार्टी, जिसका वो लीडर था सद्दाम हुसैन। तो बाथ पार्टी को सत्ता में लाने का काम अमेरिका ने करवा दिया, सद्दाम हुसैन को लीडर बनाने का काम अमेरिका ने करा दिया। जिस समय सद्दाम हुसैन लीडर बना इराक का, उस समय ये पढ़ाई करता था, लॉ का स्टूडेंट था, सेकेंड ईयर में पढ़ता था बगदाद यूनिवर्सिटी में। अमेरिका से इसकी बहुत नजदीकी रही सद्दाम हुसैन की, तो अमेरिका ने पैसा देकर समाचारों में काफी कुछ उसके बारे में अच्छी बातें लिखकर लीडर बना दिया और सद्दाम हुसैन लीडर होके प्रेसिडेंट हो गया। प्रेसिडेंट होने के बाद उसने अमेरिका के कहने पर ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। इधर अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को हथियार बेचना शुरू किया, उधर अमेरिका ने ईरान को भी हथियार बेचना शुरू किया। दोनों देशों ने भरपूर हथियार खरीदे और एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किए। 10 साल तक यह युद्ध होता रहा ईरान और इराक का, लाखों लोग इसमें मारे गए और हजारों करोड़ डॉलर के हथियार इसमें खर्च हो गए।
10 साल के बाद फिर क्या हुआ, जब अमेरिका की कंपनियों ने भरपूर हथियार बेच लिए और उनके सारे खजाने खाली हो गए, गोडाउन्स खाली हो गए, तब अमेरिका ने दोनों देशों से कहा कि अब शांति वार्ता करो। 10 साल तक युद्ध कराया, फिर कहा अब शांति वार्ता करो। तो शांति वार्ता कराने के लिए एक विशेष सत्र बुलाया गया यूनाइटेड नेशन का, उसमें दोनों देशों को साथ बिठाया गया और उनको ये कहा गया कि अगर आपके इस क्षेत्र में तेल है तो तेल की खोज कर लो, मिलेगा तो आधा आधा बांट लो, है ना, कितना सरल है। लेकिन 10 साल के बाद जब युद्ध हो गया, हथियार बिक गए, सब कुछ हो गया, खजाने खाली हो गए, तो दोनों देशों को साथ बिठाकर कहा गया कि भाई तेल है तो खोज लो, मिले तो आधा आधा बांट लो, इसमें परेशानी क्या है। अब दोनों ही देशों ने यह कहा कि हम तेल की खोज करें तो हमारे पास उतनी इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि हथियार खरीदने में सारे पैसे खर्च हो गए दोनों देशों के, जितना भी रिजर्व था खजाना पूरा खाली हो गया, पैसा तो सब अमरीका पहुंच गया। तो दोनों देशों को अमरीका ने कहा अच्छा ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है, पैसे हम लगा देते हैं, राइट्स हमको दे दो। तो अमरीकी कंपनियों को वहां तेल खोजने का पूरा अधिकार मिल गया। अमरीकी कंपनियों ने उस इलाके में तेल खोजना शुरू किया। 2 साल के बाद अमरीकी कंपनियों ने कहा कि इस इलाके में कोई तेल नहीं है। अब देखिए, इस इलाके में कोई तेल नहीं है, तो दोनों देश खामोश होकर शांत बैठ गए। 10 साल पहले ये खबर आई थी वॉशिंगटन पोस्ट में कि इसमें भरपूर तेल है, तो इन लोगों ने शिकायत किया वॉशिंगटन पोस्ट के खिलाफ। जब वॉशिंगटन पोस्ट के खिलाफ शिकायत हुआ तो वॉशिंगटन पोस्ट के एडिटर ने क्षमा मांग लिया कि भाई गलत खबर छप गई, माफ कर दीजिए हमको, और अमरीका ने उसकी पैरवी कर दिया कि हाँ हाँ माफ कर दीजिए, कभी गलत खबर छप जाती है। तो कहा गया कि ये खबर तो सैटेलाइट के माध्यम से आई थी, तो सैटेलाइट भी गलती कर सकता है, मशीन है ना, मशीन तो गलती कर ही सकती है, आदमी कर सकता है, आदमी मशीन बनाता है तो मशीन भी गलती कर सकती है। तो लिहाजा वो चैप्टर वहां खत्म हो गया। लेकिन खूबसूरती इस पूरी दुर्घटना की ये रही कि दोनों देश एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए। एक ही कौम को मानने वाले, एक ही मजहब को मानने वाले, एक साथ अल्लाह की प्रार्थना करने वाले लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए, और इतने जान के दुश्मन हो गए कि उनके बंटवारे हो गए और झगड़े शुरू हो गए, वो आज तक रुके नहीं। तो युद्ध कैसे कराया जाता है उसका मैंने आपको एक मिसाल दिया। इसी तरह से वियतनाम में हुआ था, इसी तरह से कोरिया में हुआ था, इसी तरह से लैटिन अमेरिका के चिली, कोस्टारिका, कोलंबिया जैसे देशों में हुआ था। तो दुनिया के छोटे छोटे ऐसे देशों में जहां पर सरल प्रकृति के लोग रहते हैं, जिनकी प्रकृति बहुत सहज और सरल होने की होती है, उन देशों के नेताओं को बरगलाकर, अधिकारियों को खरीद कर, लोगों का दिमाग बदल के कैसे युद्ध के लिए तैयार किया जाता है, उसके लिए पिछले 50 साल से, 55 साल से, 57 साल से, जबी से माने 1945 से, बहुत बड़ा प्रयास यूरोप और अमेरिका के द्वारा हो रहा है। और वो प्रयास ये है कि उनको हथियार बेचने हैं, हथियार बेचकर मुनाफा कमाना है, और मुनाफा कमाकर अपने देश को अमीर और अमीर और अमीर बनाते चले जाना है। ये है। अब आपको इस घटना से एक बात समझ में आनी चाहिए जो मैं आपके दिमाग में लाने की कोशिश कर रहा हूं, कि यूरोप और अमेरिका की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी कमाई, इनकम अगर कहीं से होती है तो हथियारों की बिक्री से होती है। हथियारों की बिक्री यूरोप और अमेरिका के देशों का सबसे बड़ा धंधा है। अगर हथियारों की बिक्री सबसे बड़े पैमाने पर ये करते हैं तो शांति कैसे स्थापित हो सकती है, जरा सोचिए। जितने ज्यादा हथियार बेचेंगे उतने ज्यादा अशांति होने की संभावना है, जितने ज्यादा बम बनेंगे उतने ज्यादा युद्ध होने की संभावना है। तो मजे की बात यह है कि यूरोप और अमेरिका के देश सबसे ज्यादा हथियार बेचते हैं और सबसे ज्यादा दुनिया में शांति की बात करते हैं, सबसे ज्यादा। आपको हर दूसरे तीसरे दिन अमरीका के किसी मंत्री का, अमरीका के किसी राष्ट्रपति का अखबार में बयान मिल जाएगा, भारत पाकिस्तान को दोस्ती करनी चाहिए, आता है ना अक्सर। कभी स्टॉप टॉलबोट आके बोल जाता है, कभी उनकी वो कोई महिला आके बोल जाती है, कोंडोलिसा राइस आके बोल जाती है, कभी जॉर्ज बुश स्टेटमेंट दे देता है, कभी बिल क्लिंटन देता था कि भारत पाकिस्तान को दोस्ती करनी चाहिए। ये वो लोग कहते हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बनाते हैं, बेचते हैं, और हथियारों का अंतिम उद्देश्य एक ही होता है, युद्ध और युद्ध।
सबसे ज्यादा अशांति पैदा करने वाले जो देश हैं दुनिया में, वही शांति की बात करके आपको मुझको सबको मूर्ख बनाते रहते हैं, और हम सब सीधे साधे भोले भाले लोग मूर्ख ही बनते रहते हैं। अगर हम अमेरिका और यूरोप के देशों को ये पलटकर कहना शुरू करें कि हम भारत पाकिस्तान में तो दोस्ती हो जाएगी, दुनिया के सभी देशों में दोस्ती हो जाएगी, अमेरिका की सब कंपनियां हथियार बनाना बंद कर दें, ये वो मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हम हथियार बनाते रहेंगे, तुम मत बनाओ। न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए तो अमरीका के पास आओ, तुम मत बनाओ अपना। अगर तुम बनाओगे तो हम तुम्हारे ऊपर पाबंदी लगाएंगे। तुम फाइटर प्लेन्स मत बनाओ, तुम मिसाइल मत बनाओ, तुम कुछ भी मत करो, तुमको जरूरत हो हमारे पास आओ। आप देखते हैं ना, जिस दिन भी भारत की सरकार कोई मिसाइल का परीक्षण करती है, अगले दिन अमेरिका की तरफ से कोई बयान आ जाता है ना कि हम चाहते हैं कि शांति स्थापित हो इस क्षेत्र में। क्यों वो चाहते हैं शांति? वो इसलिए नहीं चाहते कि सच में शांति हो, वो इसलिए चाहते हैं कि भारत अगर मिसाइल बनाते जाएगा, अच्छी अच्छी मिसाइलें बनाएगा, तो अमरीकी मिसाइल कौन खरीदेगा फिर? अगर हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया, जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया या नहीं किया ये हमारे ऊपर निर्भर है, लेकिन अमरीकी बॉम्ब कौन खरीदेगा फिर? तो उनको अपना मार्केट बना के रखना है, तो दूसरे देशों को ये सिखाना है कि तुम कुछ मत करो, हम हथियार बनाते रहें, तुम उनको खरीदते रहो, तुम हमको पैसा देते रहो, हमारी इकोनॉमी उससे चलती रहे और शांति से अपने यहां बैठे रहो, तुम कुछ मत करो। ये उनकी फिलॉसफी है या ये उनकी पॉलिटिक्स है, यही उनकी राजनीति है। ये राजनीति एक स्तर पर चलती है और इसका सबसे नंगा स्वरूप आपने देखा हो तो अभी आपको दिखाई दे जाएगा। देखिए कैसे होता है। यूरोप के कुछ देशों ने इराक युद्ध का विरोध किया, आपको मालूम है, फ्रांस ने किया, लेकिन आपको यह मालूम है कि इन्होंने हथियार बेचने से अपने को पीछे नहीं रखा। उन्होंने कहा युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन युद्ध हुआ और हथियार बिके तो हथियार बेचने में आगे है। फ्रांस भी आगे है, जर्मनी भी आगे है, ब्रिटेन भी आगे है। और ये नूरा कुश्ती होती है, एक हिंदी शब्द होता है नूरा कुश्ती, बाहर दिखाना कि सच में दो पहलवान लड़ रहे हैं, अंदर से दोनों एक ही है। यूरोप और अमेरिका कभी एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, आपको और मुझको बताने के लिए कभी कभी दुश्मनी का नाटक करते हैं। जैसे फ्रांस और जर्मनी ने अमेरिका का बहुत विरोध किया इराक युद्ध के विरोध में, लेकिन वास्तविकता में अंदर खाने क्या हुआ, फ्रांस ने भी हथियार बेचे, जर्मनी में भी हथियार बेचे, ब्रिटेन ने भी हथियार बेचे, अमेरिका ने भी हथियार बेचे, अरबों डॉलर के हथियार अभी इराक हमले के समय इस्तेमाल हुए। इसी तरह अफगानिस्तान में हुआ। तो युद्ध की जो राजनीति है ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली राजनीति है यूरोपियन देशों को और अमरीका को, ये एक बात। दूसरी एक बात हमें और समझनी चाहिए, वो ये समझनी चाहिए कि ये यूरोप और अमेरिका के जो देश हैं हथियारों का उत्पादन करते हैं, उसके अलावा दवाएं भी बनाते हैं, रासायनिक खाद भी बनाते हैं, टूथपेस्ट टूथ पाउडर भी बनाते हैं, कपड़े भी बनाते हैं, जूते चप्पल भी बनाते हैं, खेलकूद के खिलौने भी बनाते हैं, ये चीजें भी बनाते हैं। और युद्ध के अलावा जो कुछ वो बनाते हैं उसका खपत करने की गुंजाइश उनके देश में बहुत कम है। अर्थात अमेरिका और यूरोप के देशों में युद्ध के हथियारों के अलावा जितनी चीजों का उत्पादन होता है उनकी खपत उनके यहां सबसे कम होती है। कारण क्या है? यूरोप और अमेरिका की आबादी बहुत कम है। यूरोप की कुल आबादी अगर आप गिनना शुरू करें तो गिनिए, फ्रांस की आबादी 6.5 करोड़, ब्रिटेन की आबादी 6.5 करोड़ के आसपास, जर्मनी की आबादी लगभग 5 करोड़ 5.25 करोड़, स्वीडन की आबादी 1 करोड़ के आसपास, स्विट्जरलैंड की आबादी 1 करोड़ से कम, डेनमार्क नॉर्वे फिनलैंड तीनों की आबादी 1 करोड़ से कम। ये सभी देशों की कुल आबादी बहुत कम है। यूरोप के सब देशों को एक साथ इकट्ठा कर दो तो भारत के एक प्रदेश से छोटे हैं, उत्तर प्रदेश। हमारे अकेले उत्तर प्रदेश की आबादी 18 करोड़ 18 कोटि। तो इन देशों की आबादी बहुत कम है। आबादी कम होने से कंजम्पशन कम है, उत्पादन तो बहुत है लेकिन उपभोग उसका उतना नहीं है। और अमेरिका की आबादी अगर आप कुल मिला के देखो तो 27 करोड़। तो 27 करोड़ अमेरिका की आबादी और यूरोप के देशों की कुल आबादी अगर ये जोड़ दिया जाए तो ये दुनिया का कुल मिला के ज्यादा से ज्यादा बैठेगा तो 40-50 करोड़ के आसपास का एरिया है। इससे ज्यादा यहां लोग नहीं रहते।
तो इनके यहाँ लोग तो बहुत कम रहते हैं और दुनिया में इस समय अगर कुल मिला के देखा जाए तो 650 करोड़ लोग रहते हैं। 650 करोड़ में से मात्र 50 करोड़ लोग यूरोप और अमेरिका में रहते हैं। तो इनके यहाँ समस्या